वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मास कॉर्नर। तो आज मैं बनाऊंगी मलाई से मक्खन, मक्खन से घी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये मेरी 8-10 दिन की मलाई है जो मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखी थी। दूध गर्म करने के बाद जो मलाई निकलती है उसको मैंने इकट्ठा करके रखा है। अब मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इस मलाई को इसमें डाल देंगे। लोगों को घर में घी बनाना पसंद नहीं होता क्योंकि इसमें ज़्यादा बर्तन निकलते हैं और चिकनाई बाले भी निकलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी किन किन चीज़ों से मक्खन निकाला जा सकता है। तो ये हैंड विस्कर है, इससे आप निकाल सकते हैं। ये हैंड ब्लेंडर है, इससे भी निकल सकता है मक्खन। और ये हैंड बीटर है, इससे हम आइसक्रीम बनाते हैं तो इससे भी बहुत जल्दी मक्खन निकल जाता है, तो इससे निकालना बताऊँगी आज मैं। और ये चम्मच है, चम्मच से भी मैं आज बनाना सिखाऊंगी मक्खन। थोड़ी मलाई मैंने पतीले में अलग से निकाल ली है जिसको मैं चम्मच से मक्खन निकालूंगी। इसको अब हम बीट करेंगे बीटर से। अब हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे। गर्मियों में जब हम मक्खन निकालते हैं तो मलाई बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए और बीच बीच में आइस क्यूब और ठंडा पानी डालते रहें। अब हमारी मलाई गाढ़ी हो गई है, अब थोड़ा ही टाइम लगेगा मक्खन निकालने में। आप चाहें तो मलाई स्टोर करते समय दही भी डाल सकते हैं। अगर आपने मलाई में दही डाली है तो बटर निकालने के बाद जो छाछ निकलेगी उससे आप कढ़ी भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसको बीट करते रहें। इसको निकालने में हमें 5 मिनट लगेंगे। अगर आप गर्मियों में बना रहे हो तो बीच बीच में आप ठंडा पानी और आइस डालते रहें। देखिए अब हमारी मलाई गाढ़ी हो गई है, बस मक्खन निकलने ही वाला है। अब हमारा मक्खन बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हाथ से या चम्मच की हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं आपको चम्मच से बनाना बताऊंगी। इसको बस ऐसे ही फेंटते रहना है और धीरे धीरे ये सॉफ्ट हो जाएगी। दोस्तों, हमारे मक्खन निकालने की ट्रिक आपको कैसी लगी? आपको जो भी पसंद है उससे आप निकाल सकते हैं। अब हमारी मलाई गाढ़ी हो गई है, बस हम थोड़ा सा और फेंटेंगे, हमारा मक्खन निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा मक्खन निकल के बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको थोड़ा और मिक्स करेंगे और मक्खन को निकाल लेंगे। अब हमारा मक्खन बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसको चम्मच से निकाल सकते हैं या हाथ से भी निकाल सकते हैं, तो मैं इसको हाथ से निकालूंगी। देखिए हमारा मक्खन बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। मक्खन को आप पराठे के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मैं इसका घी बनाऊंगी। घी बनाने के लिए हमें एक कढ़ाई चाहिए जो भारी तले की हो। अब इसमें हम मक्खन डालेंगे। अब हम सारा मक्खन डाल देंगे और इसको हिलाते रहेंगे। दोस्तों, इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाता है और फिर बर्तन को साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इसको लगातार हिलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, क्योंकि दोस्तों जब घी में उफान आता है तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपसे ये उफान कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑफ कर सकते हो। अब 5 मिनट और लगेंगे, मेरा घी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि घर में ही घी बनाएं, क्योंकि बाजार में ऐसे शुद्ध घी मिलना मुश्किल हो जाता है। अब इसमें घी दिखने लगा है, जब ये वाइट पार्टिकल्स ब्राउन हो जाएंगे तो हम गैस बंद कर देंगे। ऐसे ही इसको हिलाते रहें, बस हमारा घी 2 मिनट में बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। और ये साइड्स को भी हटाते रहें इसमें। देखिए हमारा घी तैयार हो गया है, क्योंकि इसमें झाग बना हुआ है ऊपर,
तो अभी हम फ्लेम को बंद करेंगे तो ये झाग नीचे बैठ जाएगा। अब हमारा घी ठंडा हो गया तो हम इसको किसी कांच के जार में भर देंगे। आप कोशिश करें कि घी को कांच के जार या स्टील के जार में ही भरें। मैंने पतले तार की छन्नी ली है, मोटे तार की छन्नी से इसका लेफ्टओवर निकल जाता है और घी के साथ मिक्स हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि पतले तार की छन्नी लें। अगर आपके पास पतले तार की छन्नी नहीं है तो आप किसी साफ कॉटन के कपड़े से भी छान सकते हैं। और ध्यान रखें कि अगर आपको गर्म घी छाना है तो स्टील के बर्तन में ही छानें। देखिए दोस्तों, हमारा घी बनके बिल्कुल तैयार हो गया और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। तो आप ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।